पंजाब में लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसान बीजेपी प्रत्याशियों से सवाल कर रहे हैं। किसानों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 23 और 24 मई को पंजाब में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जानकारी दी है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। जी प्राइम मिनिस्टर साहब का जेड़ा दौरे का इन्फॉर्मेशन आई है, 23 तारीख नूं पटियाले रैली करनगे, 24 तारीख नूं माननीय प्रधानमंत्री गुरदासपुर पहला ते उहदे बाद जलंधर दी रैली दा प्रोग्राम उहनां दा हैगा। टाइमिंग्स एग्जैक्ट कित्थे जिहड़ा दस रहे, पटियाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की गल कर रहे, गुरदासपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जलंधर लोकसभा, कित्थे पर्टिकुलर रैली होगी वो अज डिसाइड करके वो भी सारे इन्फॉर्म कर दिया जाऊगा। सर थैंक यू। बता दें कि एमएसपी गारंटी कानून, कर्ज माफी समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान पिछली 13 फरवरी से हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। चुनाव में भी जगह जगह किसानों द्वारा बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर सबकी नजरें हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।